हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 6 जुलाई को होने वाला है और 6 जुलाई को मैथ का वीकली टेस्ट है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को 6 जुलाई का क्लास 10th का मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आप लोगों का जो इंटरनल मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स वीकली टेस्ट के आधार पर ही दिया जाएगा। अगर आप वीकली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा इंटरनल मार्क्स में। इंटरनल मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर का रहता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, वीकली टेस्ट में टोटल 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, बिना देर के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? पहला ऑप्शन है 2 × 5 × 7, दूसरा ऑप्शन है 2² × 5 × 7, तीसरा ऑप्शन है 2 × 5² × 7, चौथा ऑप्शन है 2 × 5 × 7². तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7, यहाँ पर 2 × 2 को 2² लिखा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? 156 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। पहला ऑप्शन है 2 × 3 × 3 × 13, दूसरा ऑप्शन है 2² × 3 × 13, तीसरा ऑप्शन है 2² × 3² × 13, चौथा ऑप्शन है 2 × 3² × 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2² × 3 × 13। इसका आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन आना ही आना है अभाज्य गुणनखंड से। क्वेश्चन भले अलग रह सकता है, जैसे 140 और 156 के स्थान पर कुछ और रह सकता है, ठीक है, 140 और 156 के स्थान पर कुछ और रह सकता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछा ही जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 6 और 20 का LCM है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6 और 20 का LCM 60 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, 4 नंबर, 6 × 72 × 120 का HCF, HCF क्या होगा? 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा या 5 होगा? तो HCF इसका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। LCM और HCF निकालने के लिए एग्जाम में आएगा ही, अच्छी तरीके से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, 5 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है? किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। पहला ऑप्शन है m, दूसरा ऑप्शन है 2m, तीसरा ऑप्शन है m+1 और चौथा ऑप्शन है 2m+1। तो देखिए, 2 से गुणा करेंगे किसी को भी, कोई भी संख्या को, चाहे सम हो या विषम हो, तो वो सम हो जाता है। कोई भी सम संख्या में फिर 1 जोड़ देते हैं तो वह विषम हो जाता है। तो यहाँ पर 2m+1 विषम संख्या है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, 2 ले लेते हैं, 2 के स्थान पर गुणा, m के स्थान पर अगर हम लोग 2 रखते हैं, 2 × 2 = 4, 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग 2 के लिए 2 लिख देते हैं, m के लिए अभी हम लोग यहाँ पर 3 रख देते हैं, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 7। देखिए, ये भी विषम संख्या है। तो इसी प्रकार से 2m+1 सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, 6 नंबर की ओर, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है? पहला ऑप्शन है m, दूसरा ऑप्शन है 2m, तीसरा ऑप्शन है m+1, चौथा ऑप्शन है 2m+1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2m, सम संख्या 2m है। अब देखिए, 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? पहला ऑप्शन एक पूर्ण संख्या, दूसरा ऑप्शन एक परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक अपरिमेय संख्या। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, 8 नंबर, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, y = px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है? यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या बताना है, तो x
में कितना बार ये जो इस तरीके से दिख रहा है कितना बार कटा है उसको बताना है। तो गौर कीजिए, एक बार यहाँ कटा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, यानी कि 1, 2 और 3, टोटल 3 बार कटा है। तो यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो आर बड़ा होगा बी से, आर छोटा होगा 0 से, आर छोटा होगा बी से, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी से छोटा होगा आर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एच सी एफ ए और बी, मतलब एच सी एफ ए और बी का गुना एल सी एम ए और बी का क्या होगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला है एच सी एफ गुना एल सी एम बराबर क्या होता है? बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है, जिसका हम लोग एच सी एफ और एल सी एम निकाल रूप संख्या गुना करते हैं। तो मान लेते हैं संख्या ए बी है, तो यहाँ पर ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप लोगों का वीकली टेस्ट 6 जुलाई को क्वेश्चन आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। हल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इजिकल टू 0 कर देंगे सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को हम लोग, थ्री को हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही करेंगे, बाकी बराबर 0 तो इधर रहेगा, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पर एक्स प्लस रूट थ्री इजिक्वल टू 0, फिर एक्स माइनस रूट थ्री इजिक्वल टू 0 यहाँ पर। अब देखिए एक्स इजिक्वल टू प्लस रूट थ्री बराबर का दूसरे साइड आकर माइनस रूट थ्री आ जाएगा, उसके बाद एक्स बराबर यहाँ पर माइनस रूट थ्री दूसरे साइड आकर प्लस रूट थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से अतः शून्यक रूट थ्री एवं माइनस रूट थ्री है, ठीक है, रूट थ्री एवं माइनस रूट थ्री है। तो ये तो सब्जेक्टिव का आंसर हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, रूट थ्री कोमा माइनस रूट थ्री। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आएगा, शून्यक निकालने आएगा। यहाँ पर कुछ भी अलग क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन शून्यक निकालने के लिए आएगा, पक्का आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एच सी एफ 26, 91 का 13 है। देखिए 26 और 91 का HCF 13 है, और एल सी एम ज्ञात करना है 26 और 91 का। तो सिंपल हम लोग को रूल पता है कि यहाँ पर एल सी एम बराबर दिए गए संख्या का गुणनफल बटे एच सी एफ होता है। कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको एल सी एम गुना एच एच सी एफ बराबर संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी। तो यहाँ पर एच सी एफ दिया हुआ है, एल सी एम निकालेंगे तो एच सी एफ को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे, तो यहाँ पर गुना में था तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, एच सी एफ वही यहाँ पर है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 26 गुना 91 बटे 13। अब 13 13 का 13 13 7 91, या 13 2 26 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इधर ही काट देते, 13 का 13 13 2 26, और 91 को 2 से गुना कर देंगे तो 182 हो जाएगा, तो एल सी एम 182 आ जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। हल देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यहाँ पर देखिए चरण एक में सबसे पहले हम लोग
455 को लिखेंगे और इसको भाग दे देंगे किससे, 42 से, 42 से। तो चलिए 10 से देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर 420, अब माइनस करेंगे तो 35 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो 35 बचा है शेषफल है, इधर जो 10 है ये भागफल है। तो सबसे पहले चरण दूसरा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 42 को यहाँ पर लिख देना है और गुना जो भागफल आए उसको गुना कर देना है और शेषफल जो है उसको प्लस कर देना है यहाँ पर, और सेम रिपीट करना है नीचे के लिए। नीचे के लिए यहाँ पर 42 को भाग देना है 35 से, 35 एक का 35, माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। अब यहाँ पर 42 बराबर 35 लिख दिए हैं और यहाँ पर जो भागफल है उसको यहाँ पर भागफल लिख दिए हैं, शेषफल को नीचे प्लस के साथ साथ लिख दिए हैं। उसी प्रकार से चरण तीसरा भी करेंगे, देखेंगे शेषफल 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा और आखिरी बार हम लोग जिससे भाग देते हैं तो वही इसका HCF हो जाता है। आखिरी बार में 35 को भाग दिए थे हम लोग 7 से, 7 से, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, 7 यहाँ पर, यहाँ पर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, सिद्ध करें कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। √3 को सिद्ध करना पड़ेगा पर अपरिमेय संख्या है, √5 को सिद्ध करना पड़ेगा अपरिमेय संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिए, हल माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी के फॉर्म में या पी बाय क्यू के फॉर्म में, ठीक है। पी बाय क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बाय बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है, दोनों चर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6+√2 इजिकल टू ए बाई बी, और यहाँ पर अगर √2 का वैल्यू निकालेंगे तो ए बाई बी -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आगे आपको इस प्रकार लिखना है, चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं इसलिए ए बाय बी -6 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें और फिर LCM भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96 का। तो यहाँ पर देखिए, 2 का घात 5 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 96 को हम लोग इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम लोग 2 से ही करते हैं, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से 2 दूना 4, 2 चौके 8, इस प्रकार से करते जाएंगे करते जाएंगे, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 5, देखिए 2 कितना बार है 5 बार है, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं 2 का घात 5 गुना 3। उसके बाद उसी प्रकार से 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 101 हो जाएगा। अब HCF बराबर, देखिए दोनों में जो कॉमन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ मैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और नीचे यहाँ पर इसको लिखना है 2 गुना 2 गुना 101, इस प्रकार से 101। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर नीचे मिलान करना है, 2 और 2 मिल गया, एक बार फिर से ये वाला 2 और 2 मिल गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HCF बराबर 2 गुना 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो HCF हमारा 4 आ चुका है। अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, LCM बराबर संख्या गुणनफल बटे HCF, संख्या गुणनफल 96 गुना 404 बटे HCF कितना आया है, 4 आया है, 4 से भाग दे देंगे। सॉल्व करेंगे तो LCM आ जाएगा 9696, ये हो गया इसका आंसर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर 3x² माइनस 3³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दें। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, जो सबसे बड़ा है स्क्वायर में उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, यानी कि जिसका घात बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा घात, फिर छोटा घात, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग अरेंज कर लेंगे, जिसका घात बड़ा है उसको पहले लिखेंगे फिर छोटा छोटा करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कि माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स से, एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, उसके बाद एक्स से इस एक्स को भी गुना करना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस वन को एक्स से गुना करना है तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन बदलेंगे, यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा और यहाँ पर तीन में एक, यहाँ पर एक छिपा हुआ, एक माइनस करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर बचेगा, दो एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस 3x और नीचे प्लस प्लस एक्स है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x आएगा, किसी भी एक में माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, और यहाँ पर तीन बड़ा है, तीन में माइनस है इसलिए माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ का जो पाँच है वो पाँच नीचे सेम सेम उतर जाएगा। अब हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को माइनस दो से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x को माइनस टू से गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर माइनस वन को दो से, माइनस दो से गुना करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, शेषफल 3 आएगा। तो इस प्रकार भागफल यहाँ पर जो है वो भागफल है x माइनस 2 और शेषफल हमारा 3 है, ये वाला 3। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद जय भारत।